जैसे कि आप व्रतों को ही देख लीजिए, इतने सारे व्रत होते हैं। इन व्रतों में हमारे वैष्णव धर्म में जो व्रत किया जाता है वो एकादशी व्रत किया जाता है। एकादशी व्रत जो है वो टॉप मोस्ट व्रत है, और इस व्रत को करने के बाद और किसी व्रत करने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात जितने भी व्रत होते हैं वो किसी न किसी इच्छा के कारण होते हैं, कोई ना कोई लोभ होता है, उसके पीछे स्वार्थ छुपा होता है, और उस स्वार्थ के कारण उस व्रत को करते हैं, और जैसे ही वो स्वार्थ पूरा हो जाता है फिर उसका उद्यापन भी कर देते हैं। पता है बोलिए, जैसे कई लोग मेरे से पूछते हैं ये प्रभु जी हम एक अच्छी शुरू करना चाहते हैं, तुम तो करिए, तो ये उठाते कैसे हैं? उठाते कैसे, जैसे उठा लीजिए, तो जब चाहिए उठ जाएगा इसमें। अच्छा, इसका उद्यापन कब करना होता है? बोले उद्यापन तो नहीं होता इस संसार में, उद्यापन संसार में होता ही नहीं है। उद्यापन तो वैकुंठ में भी पता नहीं, वहाँ व्रत वगैरह होता है कि नहीं, लेकिन इस संसार में एकादशी का उद्यापन मतलब दी एंड होता ही नहीं है। स्टार्ट करना है और चलते रहना है। क्यों? तो बाकी व्रत का उद्यापन इसलिए होता है क्योंकि वो करते हैं किसी भौतिक इच्छा के लिए। काम निकल गया, अच्छा जी बहुत बढ़िया लगा व्रत करके, लो भैया तुम अब करो ये व्रत, अगले को पास ओवर करते। एकादशी में ऐसा कुछ होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये क्या है, माधव तिथि है। माधव तिथि भक्ति जननी जतन पालन करी, ये भक्ति देती है, और इस भक्ति से हम, इस प्रेमा भक्ति से हम भगवान के श्री चरणों को प्राप्त कर सकते हैं, वैकुंठ जा सकते हैं। तो क्यों छोड़े इस व्रत को, हम लगातार करते रहेंगे। लेकिन यहाँ तो जो व्रत होता है वो भौतिक लोभ लालच के कारण होता है। इसीलिए जैसी व्रत की समाप्ति होती है तो जितने दिन हम अपने आप को दबा के रखे थे अपनी इच्छाओं को, एकदम से वोल्केनो की तरह बाहर निकलता है ना। जैसे नवरात्रि में 9 दिन का जो है व्रत करते हैं है ना कई लोग, तो 9 दिन व्रत करने के बाद दुर्गा जी को फिर भूल जाते हैं। उधर गई दुर्गा, इधर स्टार्ट मुर्गा। 10वें दिन से भैया वो जो संभाल के रखा था 9 दिन तक सब को बिना मसाला सहित कच्चा चबा जाते। यही होता है, आप देखना रास्ते में दिखा देता है, बड़ी भीड़ लगी रहती है। तो इसका मतलब कि वो आर्टिफिशियल सप्रेस किया गया, अपनी इच्छाओं को आर्टिफिशियल सप्रेस किया गया। पर यहाँ ऐसा नहीं होता, तो क्योंकि ये प्रेममयी सेवा है, भगवान की सेवा जो प्रेममयी तरीके से कर रहे हैं। तो भौतिक इच्छाओं के साथ जो हम व्रत करते हैं उसका एंड भौतिक संसार में ही होता है, लेकिन अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से अगर भगवान की सेवा करते हैं, प्रेममयी सेवा करते हैं, तो फिर उसका एंड जो होता है वो भगवान की प्राप्ति से होता है।